हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्न करने वाले हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद वल्नरेबल ग्रुप्स और कम्युनिकेशन विद द पेशेंट हु हैव स्पेशल नीड, कम्युनिकेशन विद विजुअल हियरिंग एंड कॉग्निटिव इम्पेयर। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो से लर्न कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट हु हैव स्पेशल नीड विजुअल हियरिंग एंड कॉग्निटिव इम्पेयर्ड पेशेंट। कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट हु हैव स्पेशल नीड, तो इसमें देखते हैं पेशेंट हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, मीन्स जिन पेशेंट को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, उनसे किस तरह से हमको कम्युनिकेट करना है इन हॉस्पिटल्स। हियर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्नोलेज योर प्रेजेंस इन द पेशेंट्स रूम, मीन्स नर्स को अपना प्रेजेंस पेशेंट को फील कराना है, बताना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई योर सेल्फ बाई नेम, मीन्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है टू द पेशेंट अपने नाम के साथ। नेक्स्ट थर्ड, रिमेंबर दैट द विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट विल बी अनेबल टू पिक अप द मोस्ट नॉन वर्बल क्यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो हमको ध्यान रखना है कि विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट है, वो नॉन वर्बल क्यूज से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हमको ये सारा चीज़ अवॉइड करना है। नेक्स्ट, स्पीक इन ए नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस, हमको एक नॉर्मल वॉइस में बात करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर टचिंग द पेशेंट बिफोर डूइंग सो, मीन्स हमको पेशेंट को टच करने से पहले या उस समय हमको टचिंग का रीज़न बताना है कि हम आपको किस लिए टच कर रहे हैं, किस काम से कस टच कर रहे हैं, मीन्स तो हम ये सारा चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट, इनिशिएट टू द पेशेंट व्हेन द कन्वर्जेशन हैज़ एंडेड एंड व्हेन यू आर लीविंग द रूम, मीन्स हमारी जब बातचीत फिनिश हो जाए तो हमको पेशेंट को बताना है, तब हमको यूनिट वार्ड रूम छोड़ना है। नेक्स्ट, कीप ए कॉल लाइट और वेल विद इजी रेज टू द पेशेंट, मीन्स पेशेंट को एक जो कॉल लाइट मीन्स जिससे वो बोल के बता सके, या कोई वेल लाइट लाइट मीन्स जो एक तरह से इंडिकेट करे मीन्स हमको पेशेंट के पास जाना है, तो ये उसके इजी रेज में होनी चाहिए आसपास बिल्कुल, जिससे वो आसानी से कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट, ओरिएंट द पेशेंट टू द साउंड इन द एनवायरमेंट एंड टू द अरेंजमेंट ऑफ द रूम एंड इट्स फर्निशिंग, मीन्स हमको डिफरेंट साउंड है रूम के आसपास की वो पेशेंट को बताना है, जिससे कि वो उनसे फैमिलियर हो और सारे रूम्स के बारे में, रूम के अरेंजमेंट और फर्निशिंग के बारे में पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट, बी श्योर आई ग्लासेस आर क्लीन एंड इंटैक्ट आर दैट कॉन्टैक्ट आर इन प्लेस, मीन्स जो भी आई ग्लासेस हैं वो क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, जो पेशेंट जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए, और उनको एक ठीक स्थान पर रखना है जिससे कि पेशेंट उनको आसानी से यूज़ कर सके। तो ये था विजुअली इम्पेयर्ड से कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट, पेशेंट यू आर हियरिंग इम्पेयर्ड, मीन्स जिनको कम सुनाई देता है उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है देखते हैं। ओरिएंट द पेशेंट टू योर प्रेजेंस बिफोर इनिशिएटिंग कन्वर्जेशन, मीन्स हमको ओरिएंट कराना है, मीन्स किसी भी कन्वर्जेशन से पहले ओरिएंटेशन कराना है टू द पेशेंट। नेक्स्ट, दिस मे बी डन बाई जेंटली टचिंग द पेशेंट और मूविंग सो यू कैन बी सीन, मीन्स हमको जेंटली पेशेंट को टच करना है, मूव करना है, जिससे कि उसको एक तरह से आपका एक्नोलेज हो, प्रेजेंस का पता हो, सॉरी। नेक्स्ट, टेक डायरेक्टली टू द पेशेंट वाइल फेसिंग हिम, सॉरी, टॉक डायरेक्टली टू द पेशेंट वाइल फेसिंग हिम और हर, मीन्स पेशेंट से जब हम बात करें तो हमारा फेस पेशेंट की तरफ होना चाहिए डायरेक्ट। इफ द पेशेंट इज एबल टू लिप रीड यूज सिंपल सेंटेंस, इसे यदि पेशेंट लिबरेट कर सकते तो सिंपल सेंटेंस यूज करना है एंड स्पीक इन ए क्वाइट एनवायरनमेंट।
और बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में बातचीत करें, नेक्स्ट नेचुरल मैनर एंड प्लेस। इसके साथ साथ बिल्कुल कायम क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। वी अवेयर ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई मीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सॉरी को ध्यान रखना है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो हम उससे साइन लैंग्वेज से एक तरह से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट ची गम और कवर योर माउथ व्हेन टॉकिंग विद द पेशेंट। हम जब पेशेंट से बात करें तो हमको माउथ से कुछ नहीं चबाना है, कुछ मुंह पे नहीं लगाना है। नेक्स्ट, यूज साइन लैंग्वेज और फिंगर स्पेलिंग एज अप्रोप्रिएट। मीन्स हम साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत सीख कर, जो हम पेशेंट से बातचीत करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी श्योर हियरिंग एड आर क्लीन फंक्शनिंग एंड इंसर्टेड प्रॉपरली। हमको ध्यान रखना है कि जो हियरिंग एड्स है पेशेंट यूज करते हैं जिनको सुनने के लिए, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से हमको हियरिंग इम्पेयर्ड से कम्युनिकेशन में ध्यान रखना। नेक्स्ट, पेशेंट हु आर कॉग्निटिव इम्पेयर्ड, मीन्स जिनका इंटेलेक्चुअल कम है, इम्पेयर्ड है, उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट, इसमें एस्टेब्लिश एंड मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट टू होल्ड अटेंशन। मीन्स इस तरह के पेशेंट से हमको आई कॉन्टेक्ट अटेंशन बनाना है जिससे कि वो अपना अटेंशन मेंटेन कर सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल शांत हमको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, कीप कम्युनिकेशन सिंपल, कम्युनिकेशन का सिंपल रखना है। अवॉइड लेंथी एक्सप्लेनेशन, लेंथी एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करना है। यूज पिक्चर और ड्राइंग्स एंड अप्रोप्रिएट पिक्चर ड्राइंग्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव द टाइम टू द पेशेंट फॉर रेस्पॉन्स, और पेशेंट को रेस्पॉन्स के लिए हमको टाइम देना है कि आपका आंसर क्या है, आपका उत्तर क्या है, आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है समझा है कि नहीं। इस तरह से हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके हम अंदर में पढ़ा कम्युनिकेशन पेशेंट विद कॉग्निटिव इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड। तो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है आनंद नर्सिंग फाइल, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।